अपनी लाइफ से मिलती जुलती कौन सी चीज जबरिया जोड़ी में डाली थी? यू नो, कई बार आपका तेवर जो है वो आपके किरदारों में नजर आता है। चल बेटा, अपना फेवरेट गाना बोल। ये दुनिया पीतल दी हम सोने दी, बारात में नाचना है बार में नहीं। तो मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा आप थे? वो व्यक्ति तो मेरा ही है। ख्वाब फरोशी जिया रा दगा दे। वाकई में बड़े बड़े स्टार जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहते संजीदा सब्जेक्ट के ऊपर। देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज हार्ड टू यू नो कन्विंस देम। लिटरली वो ढूंढ रहे हैं अच्छी कहानियां, ओके, अच्छे किरदार, अच्छा यू नो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं वो। ये बदलाव आया है बॉलीवुड में। सर्वाइव करने के लिए आपको किन किन चीजों की और जरूरत और आवश्यकता होती है? पैशन तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात की कंसिस्टेंसी। सफलता असफलता आप के लिए क्या मायने रखती है? ना सफलता को ज्यादा दिल से लेना चाहिए ना असफलता, आप अपने काम को दिल से लीजिए। फिर नई उमंग, नई आशा, नए जोश, नए जज्बे, नए जुनून के साथ आप ही के हम सफर खासी बात, थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी जरा सी इमोशनल म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट चहेते पसंदीदा प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का रब्ता, कई बातों का खुलासा। आज सैटरडे स्पेशल है और सभी को इंतजार रहता है कि किस शख्सियत को हम अपने इस प्रोग्राम में आज दावत दे रहे हैं, किसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है जो सहाफत से आई है। बहुत जोखिम का काम होता है ना कि एक सहाफी सहाफत छोड़कर जब फिल्म मेकर बनना चाहता है, बड़ी बड़ी कहानियाँ फिल्मी पर्दे पर दर्शाना चाहता है, तो उसके अंदर बहुत सारी कश्मकश होगी। क्या मेरी ये कहानी जो हकीकत पर मबनी है, आधारित है, ये वाकई में जब लोगों के सामने आएगी, मंजरे आम आएगी, बड़े पर्दे पर आएगी, लोगों को पसंद आएगी? ख्वाब फरोशी जिया रा दगा दे, जिसके संग ना लगा रे उसका सगाए। तो आज ऐसे एक टैलेंटेड फिल्म मेकर, स्क्रीन राइटर, कहानीकार नन अदर देन संजीव के झा से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। जबरिया जोड़ी तो जरूर आपने देखी होगी, कितना अनयूजुअल कंटेंट था उसमें, है ना। उसके बाद और भी कई सारी फिल्में हैं और OTT प्लेटफॉर्म पे भी इनका बहुत अच्छा चले जाव है। साथ ही साथ इन्होंने टेलीविजन सीरीज भी की थी, जिनमें प्यार तूने क्या किया से इन्होंने शुरुआत की थी, कोड रेड भी इनकी आई थी। वेल, अब चलिए बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब डायरेक्टली इनसे मुलाकात करवाते हैं हम। संजीव के झा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिल से शो में। थैंक यू। रुकावट के लिए खेद है, तुम्हारा किडनैप प्रीपेड है। जबरिया जोड़ी, क्या वाकई में आपने अपने आसपास देखा था उस तरह का कि बंदूक की नोक पर शादियां की जाती है? वो आइडिया कैसे जहन में आया? आइडिया पिकअप करना एक स्ट्रगल का काम होता है किसी भी लेखक के लिए, क्योंकि वो एक आइडिया पिकअप करता है, वो बहुत ही एक छोटा सा थॉट होता है, छोटा सा विचार, कोई छोटी सी घटना, उसके बाद उस पर स्क्रिप्ट बनाना, इट्स ए लॉन्ग जर्नी। लाइक एक साल आपके जा सकते हैं, आपके चार बरस जा सकते हैं, आई मीन यू नेवर नो हाउ मच टाइम। सो हुआ कि क्या डिफरेंट हो सकता है, और वो डिफरेंट जिससे आपका वास्ता हो। ऐसा भी नहीं कि आपने ऐसे स्पेस की कहानी इमेजिनरी बना ली जिससे आपका कभी वास्ता नहीं है, ना आप ह्यूमन लाइफ क्रिएट कर पाए, ना वो वर्ल्ड क्रिएट कर पाए। सही। तो मैंने कहा कि अगर शुरू करना है मुझे उस दुनिया को बनाने से शुरू करना पड़ेगा जिस दुनिया को मैंने देखा है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद जबरिया। लेकिन आपने क्या देखा था, क्या बचपन से ही आपने देखा था वो यूपी बिहार में जो चीजें हो रही थी आपके आसपास, जो घट रहा था, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादियां करवाना, किडनैपिंग करके शादियां करवाना, क्योंकि फिल्म का टाइटल भी जबरिया जोड़ी ही आपने रखा है, तो ये टाइटल भी मेरे हिसाब से आपने रखा होगा कि मिलजुल के ये आइडिया आया? बिल्कुल, देखा तो मैंने जरूर था, देखा था, सुना था। देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस जो आप कहानियों में शामिल करते हैं, अपने जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग्स में शामिल करते हो, कुछ जरूरी नहीं कि वो आपका बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस हो। आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है, यू नो। सो डेफिनेटली मेरे आसपास में ये घटनाएं घट रही थी। पहले तो बहुत ही ज्यादा घट रही थी, अगर आप एक जनरेशन पीछे जाएं तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको बिहार के जो जिनके साथ ऐसा कुछ हो रखा है। तो आपने अपनी आंखों के सामने ये सारा मंजर देखा है,
मैं उन लोगों से मिला जिनके साथ इस तरह की शादियां हुई थी, जिन्हें उठाया गया था, जिनके साथ जबरदस्ती शादी हुई थी, उन लोगों से मैं मिला। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मैंने एक डेटा निकलवाया, बिहार सरकार का डेटा था, और वो जो उनका क्राइम रिकॉर्ड का जो डेटा होता है, हर स्टेट अपना एक डेटा क्रिएट करता है, उसने मुझे चौंकाया। उसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसे साल रहे हैं हाल के दिनों में जिसमें किडनैपिंग रैंसम के लिए जितने हुए हैं उससे कहीं ज्यादा शादियों के लिए हुए हैं। लाइक दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। डेटा एक बात है और हकीकत में उन लोगों से मिलना एक दूसरी बात है। मैं जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे लिए रिसर्च मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। करेक्ट। आपका एक स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा था जिसमें आपने ये लिखा था, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स फिल्म में जो आपने डाले हैं, कहानी में डाले हैं, वो आपकी जिंदगी से मिलते जुलते हैं। आपने अपनी लाइफ से मिलती जुलती कौन सी चीज जबरिया जोड़ी में डाली थी ये बताइए मुझे, क्योंकि आपका स्टेटमेंट भी यही कहता है, झूठ तो बोलेंगे नहीं आप, सच तो बोलना ही पड़ेगा फिर से। और इस शो पे तो वैसे भी झूठ नहीं बोला जा सकता। नहीं बोल सकते, गुंजाइश ही नहीं है। यू नो, कई बार आपका तेवर जो है वो आपके किरदारों में नजर आता है, आपकी आपका व्यक्तित्व, यू नो, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, पर्सनालिटी आपकी शख्सियत। जी, आप जब देखते हैं अभय सिंह को वो यू नो गमछा लगाए उस तेवर में, उस तरह की पर्सनालिटी में, सो वो दैट वाज माय पर्सनालिटी लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज। आई यूज्ड टू वियर दैट, यू नो, द गमछा, द स्टोल, एंड लाइक यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। और अपने आप को ये सोचना कि मैं यहाँ का इस छोटे से मोहल्ले का डॉन टाइप हूँ, काइंड ऑफ। तो so मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा आप थे। सो डेफिनेटली वो व्यक्ति तो मेरा ही है, पर मैं वैसे बहुत ऐसा दिख रहा हूँ, बट नहीं है, आप है तो आप व्यक्ति तो वही है आप। फीचर फिल्म के लिए लिखना अलग बात होती है, ओटीटी के लिए लिखना अलग बात है, क्योंकि ओटीटी में क्या है, ज़्यादा सेंसर नहीं होता, आप जो भी लिखते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आप फिल्म मेकिंग देखेंगे वहाँ तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने जबरिया जोड़ी लिखी होगी उसमें कहीं ना कहीं आपने उन शब्दों का भी प्रयोग किया होगा, जो शब्द जो है जो हम बोलते नहीं आम फहम जबान में, जिन्हें हम गाली भी कहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन फिर एक और बात आती है, सेंसर उन्हें काट देता है, कि बंदिशें होती हैं फिल्म मेकिंग के लिए, ओटीटी के लिए नहीं। तो आपको अगर हम कहें कि आपके हिसाब से फीचर फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं आपको या कि ओटीटी के लिए लिखना, क्योंकि ओटीटी के लिए कंटेंट जो होता है ना उसमें उस तरह का सेंसर नहीं होता, कैंची नहीं चलती वैसे, आपकी पर्सनल राय क्या है इस बारे में? ओटीटी क्या देता है? ओटीटी डेफिनेटली फ्रीडम आपको देता है, सेंसरशिप नहीं है, तो आप कुछ भी लिखने के लिए वो है, फ्री बंदिशें, बंदिशें नहीं है, आप आजाद है ओटीटी के लिए, बंदिशें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन दर्शक जो फिल्में देखता है या कोई भी कंटेंट देखता है, वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं होता, वो इस सोसाइटी का हिस्सा होता है, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो किसी दौर में किसी वक्त में होता है, और वो अगर वहां अपने आप को नहीं खड़ा पाता है, चाहे वो कोई भी माध्यम थिएटर फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं की जा रही हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को द्वंद अगर एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो वो आप कुछ भी उसमें कितना भी लिबर्टी ले लें, भाई ईरानियन सिनेमा को लिबर्टी नहीं है बहुत सारी चीजों, सही सही, या ईरानियन सिनेमा बेस्ट सिनेमा कहा जाता है, कितनी खूबसूरत फिल्में उनकी होती है, बहुत ही पावरफुल। आप देखिए दुनिया भर के बहुत सारे मुल्क हैं जो उनसे कोप अप नहीं कर पाएंगे आर्ट में और सिनेमा में, सही बिल्कुल, जबकि उनके पास सेंसरशिप है, क्या क्या फिल्म मेकर्स नहीं हुए वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप ओटीटी पे भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, लोग आपको धुतकारेंगे ही। चल बेटा अपना फेवरेट गाना बोल। ये दुनिया पीतल दी हम सोने दी, बारात में नाचना है बार में नहीं। संजीव की चाची, हमारी ये गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल जारी रहेगी आपके लेखन के ऊपर, और आगे हम बात करेंगे कि कंटेंट की जिस शिद्दत से जरूरत है हमारे इंडस्ट्री को, क्या वाकई में प्रोड्यूसर्स भी और फिल्म मेकर्स भी यही चाहते हैं कि भाई अच्छा अच्छा कंटेंट आना चाहिए, या फिर उन्हें जमता है कि भाई रिमेक्स ही चलते रहे तो बेहतर है क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी कम है। वेल, इन्हीं बातों पर हम आगे भी बात करेंगे संजीव केजा, लेकिन इस वक्त हम मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
A warm welcome to you all after the short break. आज की Saturday special की हमारी शख्सियत जो है वो है हमारे Bollywood industry के बहुत ही अच्छे और नामवर screenplay writer और लेखक none other than संजीव के झा. तो चलिए संजीव के झा वापस ब्रेक के पार हमसे जुड़ चुके हैं. जानते हैं इनसे कुछ और बातें लेखन के ऊपर, कहानी के ऊपर, आजकल जो बॉलीवुड में चल रहा कंटेंट उसके ऊपर. आजकल फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. चाहे आप बड़े स्टार के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि मेरे पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, सो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो वो पहले आपको कहेगा किस तरह की कहानी है. अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई एक गांव की कहानी है या एक इशू पे, एक मुद्दे पे कहानी है या किसी एथलीट पे कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है, उसने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, हालांकि ये फिल्में बीच बीच में आई और चली भी, लेकिन बावजूद उसके वो उसको रिस्क फैक्टर लगेगा, उसको लगेगा कि यार मैं रिस्क ले रहा हूँ, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी. ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लेकर आप गए होंगे बड़े स्टार्स के पास, तो हो सकता है उन्होंने ना भी कहा होगा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े स्टार्स भी ये जोखिम नहीं उठाना चाहते, उन्हें लगता है कि रिस्क फैक्टर है यार इसमें. तो इस बारे में आपका क्या टेक है, क्या आपने ऐसा सब कुछ फेस किया है कि वाकई में बड़े बड़े स्टार जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहते संजीदा सब्जेक्ट के ऊपर? ये थोड़ा पहले अगर जाएं 10 साल पहले 15 साल पहले तो थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर के बारे में सोचते होंगे, ये करना है ये नहीं करना है के बारे में सोचते होंगे. अभी थोड़ा सा वो शिफ्ट हुआ है, अब वो रिस्क कवर जानते हैं, वो जानते हैं कि ये रिस्क कवर हो जाएगा. अब वो ढूंढ रहे हैं, लिटरली अब वो ढूंढ रहे हैं अच्छी कहानियां, अच्छे किरदार, अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं वो. ये बदलाव आया है क्योंकि पहले क्या होता था कि जब आप अप्रोच करने जाते थे किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को, बहुत सारा चक्कर लगाने पड़ते थे. अभी आप देखिए बिल्कुल ही उल्टा है, अभी चक्कर लगाने वाली बात नहीं, अभी लोग आपको पूछते हैं कि यार कुछ मेरे लिए दो. जिनके पास कंटेंट है, जो अच्छा लिखना चाहते हैं, उनके पीछे प्रोड्यूसर्स पढ़ते रहते हैं यार कुछ नया दो, बहुत बोर हो गए अब हम रीमेक्स कर करके. मतलब अच्छे राइटर्स की तलाश अभी शुरू हो गई है, आपके कहने का मतलब है, जो कि पॉजिटिव साइन है. डेफिनेटली हम लोग जब रिया जोड़ी के प्रोसेस में थे और वहां जो मैं बातें सुनता था ऑफिस में, तो वो लोग यही बातें कर रहे थे कि for a good writer, they are willing to pay any amount, like any respect, any time. वो totally, encouraging था मेरे जैसे, क्योंकि मैं शुरुआत में मैंने ये देख रहा था कि meetings नहीं मिल पाती हैं. There was a time when I tried to start with biopic, but it didn't happen. तो वो मुझे डराता था. तब आपको discouragement मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी. मेरे हिसाब से सुपर 30 जो बनी थी उसके बारे में आपने बहुत पहले सोचा था. हाँ, ऐसी बहुत सारी कहानियां थी जिसके बारे में मैंने सोचा था और मुझे लगता था कि ये कहानियां बननी चाहिए. और उस समय हम लोग पिच करते थे या उस समय घूमते थे इन कहानियों को लेके, तो लाइक यार शिक्षक की कहानी है, कौन कौन सुनेगा, टीचर की कहानी कौन सुनना चाहेगा. करेक्ट. मैं ये कहता था कि देखिए इनके जीवन का अधिकार लीजिए और ये कहानियां बोलनी चाहिए, ये कहानियां लोग सुनेंगे. मैं बिलीव दावे के साथ कह सकता हूँ. बट ये कितना भी आप चिल्लाते थे उससे कुछ होता नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली जिसका इन्वेस्टमेंट हो, जिस जो डिसीजन मेकर है वो कोई और है, वो आप नहीं है. आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर उस पर डिसीजन नहीं बना, अगर उस पर बहुत लोगों की सहमति नहीं बनी, तो फिल्म कभी बन नहीं सकती. तो इट वॉज लाइक देर वॉज अ टाइम वेन इट वॉज हार्ड टू कन्विंस देम. जो हमेशा से सोचते थे कि भाई अच्छी अच्छी कहानियों को सामने लाना चाहिए, भाई हमारे भारत में खुद आसपास हम नजर दौड़ाएंगे बहुत बेहतरीन कहानियां है और हमारे यहाँ आसपास ही है जिनको हमें उठा के उन किरदारों को एक शक्ल दे के पर्दे पर लाना है, वही हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा सिनेमा जो है वो बहुत पीछे जाएगा अगर हम ऐसे ऐसा करेंगे. राइटर्स को एक अच्छा स्थान, एक अच्छा मकाम देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेन काम एक राइटर का होता है जब तक ना वो किरदारों को कागज़ पर उतारेगा, जब तक ना वो किरदार फिर शक्ल लेकर पर्दे पर आएंगे तब तक कैसे लोग उन तक पहुँच पाएंगे. So, ये बहुत अच्छा साइन है आजकल. लेकिन डिस्करेजमेंट की बात हुई थी, जैसे आपने जिक्र किया कि जब शुरुआत में आप आए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, अच्छी अच्छी कहानियां थी, सबके पास जाता था, लोग धुतकारते थे, नकारते थे, क्या कर रहे हो यार, क्या है
क्या बना रहे हो, तो तब कहीं ना कहीं आप किसी पॉइंट पे आपने ये सोचा यार भी ये एक्सेप्टेंस तो नहीं है इंडस्ट्री में, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये पॉइंट आया आपकी लाइफ में। उसके बाद आपकी लाइफ में किसने फिर थोड़ा एनकरेजमेंट आपको दिया, किसने आपको मनोबल बढ़ाया, आपको ये कहा कि नहीं भाई, क्या खुद आपके जमीर ने कहा कि भाई कहने दो लोगों को जो कहना है, मुझे तो अपने रास्ते निकलना है और जिस रास्ते पे मैं निकल पड़ा हूँ भले इसमें अभी नाकामियाँ हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन अंत तो इसका अच्छा ही है, अंजाम तो अच्छा ही है, तो क्या किस तरह के विचार आते थे आपके जहन में? देखिए उस मामले में तो मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, तो मैं सुनता हूँ बस सुनने के लिए, एक्चुअली मैं सुन नहीं रहा हूँ। होता ये है कि एक सर्टेन टाइम के लिए आप मुझे डिस्करेज कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मैं वापस फिर वहीं आता ऑलवेज, लाइक आप मुझे एक मेरी कहानी से रिजेक्ट कर दें, मुझे पता है कि इस कहानी पर फिर मैं आऊंगा दोबारा, वो मेरा काम चलता रहता है। तो शुरुआत में जो भी यू नो डिस्करेजिंग सिचुएशंस आए होंगे उसने इतना डिस्करेज तो नहीं किया कि मैं ये सोच लूं कि यहाँ से अपना झोला उठा लेते हैं, लेकिन हाँ उसने जरूर ये कहा, उसने मुझे ये रियलाइज कराया इस तरह की सिचुएशन में कि आई मीन वक्त लगेगा, काफी लंबा समय लगेगा, एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम टू टेक, बट डेफिनेटली जबरिया जोड़ी के साथ भी हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि ये तो एक फिल्म है जो किसी ने पकड़ो हुआ शादी में बना रखी है। जब हम इंडस्ट्री में थे, जब इसको पिच कर रहे थे, तो कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में सेम कॉन्सेप्ट पर कोई आदमी काम कर रहा था, तो बहुत लोग थे जो कहते थे कि मत कर ये सब, यू नो कोई बनाएगा नहीं इसको, कोई बड़ा एक्टर नहीं आएगा, ये सब बहुत लोग थे जो कह रहे थे, बट मैं एक समय के बाद सुनना मैंने बंद कर दिया, मुझे लगा कि नहीं अपनी सुनो, यू नो अपने खुद की सुनो, अगर आप एक स्टोरी टेलर हैं, अगर आप एक सच्चे लेखक और मेकर हैं, क्रिएटर हैं, तो आप सबसे पहले अपनी सुनिए, उसके बाद आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इन कहानियों को सुनना चाहता है और इन कहानियों को वो भी सुनाना चाहता है। वो भी वक्त था जब थोड़ा डिस्करेजमेंट हुआ, जो कि होता है हर दौर में होता है, फिर वो भी वक्त आया कि कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि चल ये कहानी तुझे बोलनी है, ये कहानी मुझे भी बोलनी है, आजा बनाते हैं। ऐसे कारवां बन जाता है, मतलब लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल गए, और आप चूंकि सहाफी थे, बुनियाद आपकी बहुत मजबूत थी, इसीलिए आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कहा नहीं एक ना एक वक्त आएगा जब जो मैं कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ या प्रेजेंट करने की सोच रहा हूँ वो लोग पसंद करने लगेंगे, जैसे आपने खुद ही अपनी बातों में कहा हिम्मत नहीं हारना है। तो बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए आपको किन किन चीजों की और जरूरत और आवश्यकता होती है, ये आप कहिए। बहुत चीजों की, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पैशन तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है ना, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरी बात की जो होता है ना कि कंसिस्टेंसी टू लाइक फॉर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, लाइक लगातार आप कोशिश जब करते हैं किसी चीज के लिए तो मेरे ख्याल से वो आपको मिलता है। बट यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंजिंग पार्ट है, जो कोई भी जो दूसरे शहरों से आता है जो यहाँ का नहीं है, वो ये शहर बहुत खर्चीला है। पहली बात मतलब यूएस से जो लोग मेरे जो दोस्त आते हैं वो कहते हैं यार बहुत महंगा शहर है, यू नो। सो यहाँ का चैलेंज जो है वो सर्वाइवल चैलेंज है, खासकर आप नए राइटर्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैंने दो तरह के फॉर्मेट क्रिएट किए अपने लाइफ, चॉइस और डेस्टिनी। डेस्टिनी सबसे पहले आती है, तकदीर जो है ना सबसे पहले आपको कुछ ऑफर करता है, उसके बाद आती है चॉइस। एक समय आता है जब आप ना चॉइस लेते हैं कि ओके मैं ये करना करूंगा ये नहीं करूंगा, दैट इज योर चॉइस, यू मेक इट। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि आपको जो मिले उसको शिद्दत से करवा। मुझे बिफोर इवन जबरिया जोड़ी, मुझे प्यार तूने क्या क्या मिला, मुझे बिल्कुल विकास गुप्ता जैसे प्रोड्यूसर मिले जो टेलीविजन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वो अलग अलग कहानियां बनाने में यकीन करते थे, कोडेड उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी की थी, प्यार तूने क्या किया उन्हीं का था, तो वो जो था उसमें न सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हुई बल्कि उसने आपको यहाँ पे एज ए राइटर, आप जब अपना क्रेडिट देखते हैं, वो पहला क्रेडिट काम था मेरा, जब आप क्रेडिट देखते हैं अपना छोटे पर्दे पे तो आपको उससे इनकरेजमेंट मिलता है। कुछ और जॉब्स भी
बीच में किए, यहाँ तक भी मैंने सोचा कभी आपने सोचा था कि नहीं अब सर्वाइवल के लिए तो मुझे असिस्टेंट एडी का जॉब ही करना चाहिए कहीं पे, ये भी आपने किया बीच में? Not for survival, but I mean, मैं डे वन से मुझे लिखने का पैसा लोग देते रहे हमें फ्रॉम डे वन, तो वो इशू नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं खाली बैठने वाला आदमी नहीं था, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, आई मीन इस समय अगर मैं कोई फिल्म अपनी कहीं माउंट नहीं करा पा रहा हूँ, कहीं सेट नहीं करा पा रहा हूँ, थोड़े दिन मैं चलो एडी का काम कर लेते काम करते हैं, और सिनेमा के किसी भी हिस्से में जुड़ना आपके लिए वैल्यूएबल होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सही सही, करेक्ट। सफलता असफलता आप के लिए क्या मायने रखती है? क्या अगर कोई चीज आपकी शिद्दत के बावजूद भी असफल होती है तो आप उसे दिल पे ले लेते हैं या फिर इट्स ओके आप छोड़ देते हैं, चलो आगे जाके कोई ना कोई दूसरी कामयाबी तो जरूर मिलेगी? देखिए, न सफलता को ज्यादा दिल से लेना चाहिए न असफलता, आप अपने काम को दिल से लीजिए, मेरे लिए मेरा ये फॉर्मूला है। सफलता से आप इतराइए नहीं, असफलता से आप दुखी ना हो, आप डिस्करेज ना हो, ये एक एक चीज है जो मैं लेके चलता हूँ। इट्स ओके, कोई चीज चली नहीं चली, दैट्स फाइन, लाइक कीप मूविंग, लाइक मेक स्टोरीज, लाइक कीप ट्राइंग, ये एक फॉर्मूला लेके चलता हूँ। दूसरा, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स हैं, अलग हैं, और वो सारी चीजें जो मैं करना चाहता था शायद लोग अब उसके लिए रेडी हैं, मुझे किसी को बहुत समझाने और तर्क देने की जरूरत नहीं है, मैं एक बेसिक चीजों पे बात करता हूँ और मुझे कोई प्रोड्यूसर होता है जो कहता है कि ओके ग्रेट, ये वेरी नाइस, कहानी को बनाओ, वेरी गुड। बहुत ऑब्जर्वेंट है आप, अपने आसपास जो भी घट रहा है उस पर आप नजर दौड़ाए रखते हैं, और जाते जाते अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग आपका शो ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और खासकर जो सिनेमा के लोग हैं, वो उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, अच्छी कहानियां बनाइए, कहानियों को बनाने का जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, जो क्राफ्ट है, उसको पढ़िए और वही आपको सफलता दिला सकती है, नथिंग एल्स। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कामयाबी आपके कदम हमेशा चूमती रहे। धन्यवाद, दिल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। संजीव के झा से हमारी मुलाकात मुझे लगता है आपको बेहद पसंद आ गई होगी, और आपके अंदर भी अगर राइटिंग का कीड़ा है और आप भी चाहते हैं कि बॉलीवुड में आपको अपना नाम कमाना है तो उसके लिए पैशन की तो बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको दृढ़ निश्चय ये करना है कि भाई आपको अपने हौसले को पस्त नहीं होने देना है। कोई भी काम हम जिंदगी में करें उसमें सिर्फ एक बुनियादी चीज़ ये होती है कि आपको अपने हौसले को बस नहीं करना है, हमेशा मस्त रखना है मस्त रहकर खुशी खुशी अपने काम को अंजाम दीजिए, सफलता देर से ही सही मिलेगी तो जरूर, कामयाबी आपके कदम देर से ही सही लेकिन चूमेगी तो जरूर। वेल, इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं, सुपर ऑसम भी लगते हैं तो सुपर ऑसम माहौल के साथ हम कल दोबारा मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, रब राखा।